दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आपका मनीष शर्मा फिटनेस चैनल पे। आज हम बात करेंगे बनाना की और जानेंगे इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की और क्या इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, कितने बनाना हमें पर डे खाने चाहिए और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसे आप बिफ़ोर वर्कआउट लें या आफ्टर वर्कआउट लें। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की और बात करें अगर वन मीडियम साइज़ बनाना 100 ग्राम की तो उसमें कैलोरीज हमें 89, पोटेशियम 358 मिलीग्राम, प्रोटीन 1.1 ग्राम, कार्ब्स 23 ग्राम, शुगर 12 ग्राम एंड फाइबर 2.6 ग्राम के करीब मिल जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6, विटामिन सी, फैट, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। और दोस्तों बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर बात करें हम विटामिन B6 की तो ये एक वाटर सोलेबल विटामिन है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, ये हमारी बॉडी से रिलीज़ होता रहता है थ्रू यूरिन के और इसे हमें डेली लेना पड़ता है। इसे हम अपने नेचुरल डाइट से, जो भी हम फूड खाते हैं उससे, या फिर हम इसे सप्लीमेंट से ले सकते हैं और ये डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन B6 हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन के लेवल को ठीक रखता है। ये एक टाइप का अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में मूड को ठीक रखने वाले सीरोटोनिन नाम के केमिकल को बनाता है। और दोस्तों इसके अलावा ये हमारे ब्रेन एंड नर्व फंक्शनिंग को ठीक रखता है। बनाना में हमें विटामिन सी मिलता है जो कि हमारे टिश्यूज़ और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है एंड हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट रखता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और दोस्तों बनाना बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, इसमें हमें गुड अमाउंट में पोटेशियम मिल जाता है जो कि हमारे मसल फंक्शन को ठीक रखता है, क्रैम्प से हमें बचाता है। और पोटेशियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है जो कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल लो चला जाए तो इससे मसल क्रैम्प होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा ये नर्व सिग्नल में भी हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। और बनाना में हमें आयरन मिलता है तो आयरन जो है ये ब्लड को प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड हीमोग्लोबिन को बनाता है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स में वो प्रोटीन है जो कि हमारे लंग से ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू लेके जाता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है और इससे हमें एनर्जी मिली, हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। अदरवाइज़ अगर आपकी बॉडी में आयरन का लेवल लो होगा तो उससे आपके अंदर वीकनेस ही फील होगी और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, लाइक जैसे कि अनीमिया और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। एंड अब अगर बात करें कि इसे हमें प्री वर्कआउट लेना चाहिए या पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए तो दोस्तों आप इसे प्री में भी ले सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। और अगर आप इसे प्री वर्कआउट लेते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्ब्स का, इसमें गुड अमाउंट में हमें कार्ब्स और पोटाशियम मिल जाता है जो कि हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को और मसल ग्रो करने में हेल्प करता है। इसमें एक नेचुरल शुगर पाई जाती है जो कि फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री एनर्जी हमें देती है और ये हमारी बॉडी में स्लो एब्जॉर्ब होती है। तो आप इसे एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें इसे कितना लेना चाहिए पर डे। तो दोस्तों इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि आपको इसे कितना लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर और आपका क्या गोल है उसके ऊपर। अगर आप अपना बॉडी फैट रिड्यूस कर रहे हैं, लीनिंग पे हैं, देन आप इसे कम लीजिए। अदरवाइज़ होगा क्या, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लेंगे, 9 से 10 अगर बनाना आप पर डे लेना शुरू कर दें या 6 बनाना लेना शुरू कर दें तो उसमें कार्ब्स ज़्यादा होने की वजह से वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और आपका अगर पर्पज़ बॉडी फैट को रिड्यूस करना है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी गेनिंग करना चाहते हैं, वेट को बढ़ाना चाहते हैं, देन आप बनाना को ज़्यादा खा सकते हैं। बट दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर और आपके गोल के ऊपर। अगर आप अपनी डाइट में किसी अदर सोर्सेज से कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं और बनाना भी ले रहे हैं तो आपका बॉडी वेट जो है वो जल्दी इंक्रीज़ हो सकता है। सो अगर आप लीनिंग पे हैं तो 2 बनाना आप पर डे ले सकते हैं।
सो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बनाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हों सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।